पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा है और इस बार पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी ईद की नमाज अदा की। पुरुष हर साल ईद की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस कारण मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए ईद का त्यौहार अधूरा सा लगता था। लेकिन इस बार महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ मिलकर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। इस बार यह खोड़ीबाड़ी प्रखंड के बूढ़ागंज में बकरभित्ता स्थित ईदगाह सेल्फी में कैद हुई है तस्वीर, जिसमें देखा गया कि पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी ईद की नमाज अदा की। खुशमिजाज महिलाओं ने पहली बार पुरुषों के साथ मिलकर ईद की नमाज मस्जिद में अदा की, लेकिन महिलाओं के लिए मस्जिद में अलग जगह मुहैया कराई गई। इस मामले में रिजामुद्दीन अंसारी का कहना है कि महिलाओं ने घर में ईद मनाई तो खुशियां आधी रह गई, लेकिन इस बार खुशियां लौट आई है। पुरुषों के साथ महिलाओं को समान अधिकार देने की यह पहल की गई। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह एक साथ मिलकर ईद मनाएंगे। एवरीवन, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में ईद की नमाज हुई है, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने गांव में ईद की नमाज कायम करें और ईदगाह में नमाज पढ़ने की अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, ईदगाह में अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तौफीक दे। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और हमारे भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ आप लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़िए, क्योंकि ईदगाह अल्लाह के रसूल अपने फैमिली को ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाते थे, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये बात सिखाई कि आप लोग अपने बच्चों बहनों को माँ बहनों को ईदगाह नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, ले जाए और दीन इस्लाम की बातें बताए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान बहनों को, भाइयों को और माँ बहनों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। এর আগেও কি আপনারা নামাজ পড়েছিলেন? না, ঈদগাহ আমরা না, এবার ফার্স্ট। এবার প্রথম ঈদগাহে নামাজ পড়ে কেমন লাগছে আপনার? অনেক ভালো লাগতেছে, সেই আনন্দ লাগতেছে, সবাই মিলে ঝুলে আমরা এই নামাজটা এক জায়গায় করলাম, অনেক ভালো লাগতেছে, সেই আনন্দ কোনোদিন এরকম হয়েছিল না, প্রথমবার হয়েছে। সবাই মা বহিন বড় ছোট সব একসঙ্গে পড়া হলো, তখন তো একটা ওই বাড়িতে পড়ছো, কোনো ওই বাড়িতে, এখন সব এক জায়গায় আসতেছে, সেটা অনেক ভালো লাগলো। ঈদ বহুত হি খুশিয়ালি কে সাথ মনায়া গিয়া হয়। পহলে ভি ঈদ খুশি সে হি মনায়া জাতা থা, লেকিন এক দুঃখ কা কারণ ইয়ে থা कि हम लोग औरतों को शरीक नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से औरतें अपने घर में ही नमाज़ पढ़ा करती थी, जिससे हमारे जो खुशी थे वो आधा हो जाया करता था। अब की बार उन्होंने इच्छा जताई, औरतें चाहे इच्छा जताई कि हम लोग भी ईद की नमाज़ आप लोग के साथ पढ़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने मैनेजमेंट किए, उन लोगों के लिए अलग से बैठने के लिए इंतजाम किए और कोशिश किए कि उन लोगों के पूरी तरह से ईद की जो खुशहाली है उसमें पूरी तरह भागीदारी ले, और इस बार उन लोगों ने शरीक हुआ और अच्छी तरह से ईद में नमाज हुई और सारे लोग खुशी खुशी ईद की नमाज पढ़ाई की है। इसके बाद भी ऐसे ईदगाह में हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके बाद भी इसी तरह के इंतजाम करेंगे, और हर बार जितने दिन तक यहाँ ईद की नमाज हो औरतों को बराबर का दर्जा देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रेजामुद्दीन अंसारी, मैं बख्तरभिट्टा का रहने वाला हूँ। कौन सा ईद कमेटी? ये सल्फी, ईदगाह सल्फी कमेटी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ईद एक ऐसा त्यौहार है जो आकाए मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के तरफ से आई हुई दौलत को हमारे ऊपर उजागर किया और कहा कि ईद की नमाज़ मर्द और औरत दोनों के लिए है, और जिस तरीके से इस्लाम के अंदर मर्द को भी मौका मिला है, इसी तरीके से औरत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मौका दिया है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए वो ईदगाह जाएं। उनके जाने का रास्ता अलग होना चाहिए, उनके आने का रास्ता अलग होना चाहिए, उनके सर पर दुपट्टा होना चाहिए, और वो पाक साफ हो करके नहा धो करके अपने रास्ते से जाएं, और रास्ते में जाते हुए अल्लाह की तारीफ़ करते हुए जाएँ, बाकी हंसी खुशी से जाएँ लेकिन अल्लाह की तारीफ़ करते हुए जाएँ, और ईद की नमाज़ पढ़ें, अपने यार
दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहेलियों को अपने घर पर बुलाएं, सेवई खिलाएं, जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है खाना पीना उसको बुलाएं, चाहे उनके यार दोस्त गरीब हों, अमीर हों, किसी भी कौम के लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके लिए ईद बनाया है, अल्लाह का खुद कहना है और अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद कहना है कि वले कुल्ले कौमिन ईद व हाजा ईदना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हर कौम के लिए ईद बनाया है, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, क्रिश्चन हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सबके लिए भी ईद है जी। इससे पहले भी हम लोग ईद ऐसे मनाए थे और इंशाल्लाह ईद ऐसे ही मनाएंगे। इस बार महिला भी शामिल है। इस बार महिला भी शामिल है, कभी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, कभी बारिश हुआ तो औरतें नहीं आई, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली, या चार घर की औरतें एक साथ नमाज़ पढ़ी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी हैं और पूरे इंडिया के अंदर भी नमाज़ पढ़ी जाती है, और इंडिया तो छोड़िए, पूरी दुनिया में औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। जैसे मर्द के ऊपर नमाज़ फ़र्ज है, वैसे औरत के भी ऊपर नमाज़ फ़र्ज है, जैसे मर्द के ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, वैसे औरत के भी ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, और औरत को भी रोज़ा रखना है, मर्द को भी रोज़ा रखना है। ईदगाह में औरत भी आएगी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, मर्द भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बच्चियाँ भी आएंगे, ये सबका ईद है, सबका खुशी का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें 30 दिन का रोज़ा रखने का मौका दिया, तो हमारे 30 दिन के अजर का, सवाब का आज हक है उन्हें लेने का। अगर वो ईदगाह नहीं आएंगी तो उनका हक कैसे मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे देगा? अगर आप हमारे पास आए हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं आते हम कैसे बात करते? इस तरीके से जब औरत ईदगाह में आएगी, ईद की नमाज़ पढ़ेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहता है कि देखिए, जो आए हुए हैं उनके हक को दे दिया जाए, और जो लोग महरूम हो गए हैं, जो नहीं आए हैं, उनका अल्लाह मालिक है। अल्लाह urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 28th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility: Class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। नागालैंड सरकार ईयर 500 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़ टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 29 अप्रैल। पहलो पुरस्कार केवल पिकरी बैगा टिकट और बाटा। डियर ओली बम्पर 2023 का 2.5 करोड़ विजेता ब्रिजपाल सिंह सैनी के तपाई हुनु चाहिँ यसपाली को करोड़पति। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 और 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।